बड़ी खबर आ रही बेतिया से। यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ी जानकारी। जगदीशपुर से गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। सरेंडर करने के लिए कोर्ट जा रहा था और समर्पण करने जिस दौरान कोर्ट जा रहा था, बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने गिरफ्तार किया है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार चल रहा था। पश्चिम चंपारण की डीआईजी और एसपी भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, बेतिया से यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तार। तो जगदीशपुर से ये गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरेंडर करने के लिए कोर्ट जा रहा था, तो जगदीशपुर से हुई है मनीष कश्यप की ये गिरफ्तारी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही मनीष कश्यप फरार चल रहा था। पश्चिम चंपारण को की अगर बात करें, साथ ही आपको ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं, जगदीशपुर से हुई है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी। यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ है, बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर है। समर्पण करने के लिए जा रहा था, बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने किया गिरफ्तार। धनंजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। धनंजय, क्या कुछ जानकारी, गिरफ्तारी हुई है मनीष कश्यप की? जी आप प्रीति, सबसे पहले जी मीडिया एक खबर ब्रेक कर रही है, मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गया है जगदीशपुर में। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने गिरफ्तार किया है। वह कोर्ट जा रहा था सरेंडर करने के लिए, पुलिस को यह भनक लग गई थी और रास्ते में जगदीशपुर में बेतिया एसपी ने एक टीम बनाई थी और को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बेतिया एसपी ने यह बताया था कि उसे हर हाल में सरेंडर करना होगा, नहीं तो कुर्की होगी, और आज उसके घर की कुर्की भी हुई और बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह से बिहार के लिए एक आज बड़ी खबर है, मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गया है, बेतिया एसपी ने गिरफ्तार कर लिया है। धनंजय, देखिए बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं अब ये आशंका थी कि शिकंजा और भी ज्यादा कस रहा है। घर की कुर्सी जब्ती की कार्रवाई जहां पर शुरू हुई और वो समर्पण करने के लिए कोर्ट जा रहा था, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहां पर एक बड़ी सफलता पुलिस को भी मिली है, क्योंकि लंबे वक्त से फरार चल रहा था, 2 साल का ये वक्त बताया जा रहा है। जी आप प्रीति, 2 साल से 193/21 में वह फरार चल रहा था। हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत को खारिज कर दिया था और यहाँ पर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी उसके घर की कुर्की के लिए और आज उसके घर कुर्की भी हो रही थी और वह सरेंडर करने के लिए कोर्ट जा रहा था और रास्ते में ही बेतिया एसपी ने अपने टीम के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूबर पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है बेतिया एसपी ने और अब उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जी प्रीति, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।